आज के समय में पहले जैसा तत्काल से कंफर्म ई टिकट बुकिंग कराना आसान नहीं रह गया है। जो भी लोग इस प्रकार का टिकट कटवाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए अब एक मिशन की तरह काम करना होगा। खास तौर पर जब बिहार और यूपी की ट्रेनों के टिकट की बात की जाए तो तत्काल ई टिकट का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा तत्काल ई टिकट की बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। ये बदलाव को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको तत्काल ई टिकट की बुकिंग को लेकर जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताते हैं। बताते चले कि ऐसा ही एक नियम पीएनआर से भी जुड़ा हुआ है। अब आप सभी एक पीएनआर से एक समय में केवल 4 टिकट की ही बुकिंग कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे के द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक तत्काल ई टिकट पर अब एक पीएनआर से अधिकतम 4 यात्रियों की टिकट बुकिंग हो सकेगी। मतलब ये है कि अब अगर आप एक पीएनआर से टिकट कटाना चाहते हैं तो आप 4 लोगों का टिकट ही करा सकते हैं। हालांकि आपको सभी 4 टिकट के चार्जेस देने होंगे। बता दें कि सामान्य टिकट के मुकाबले तत्काल टिकट का चार्ज अधिक होता है। वहीं अगर आप कंफर्म तत्काल टिकटों को रद्द करते हैं तो उसके बदले आपको कोई रिफंड नहीं किया जाता है। वहीं वैसे लोग जिनके टिकट वेटिंग लिस्ट में होती है अगर वह टिकट रद्द करवाते हैं तो रेलवे के बनाए नियमों के अनुसार कुछ प्रतिशत चार्ज काटा जाता है और बाकी पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग को लेकर नए बदलाव किए गए हैं। बता दें कि IRCTC की AC यूजर ID जो आधार से लिंक नहीं है, ऐसे में अब एक माह में वो 6 की बजाय केवल 12 टिकट ही बुक कर सकेंगे। वहीं आधार से लिंक यूजर आईडी द्वारा एक महीने में अधिकतम 12 टिकटों की सीमा बढ़ाकर 24 टिकट कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।